उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ 50 फट बाई 100 फट का प्लॉट। दोस्तों 50 फट इसका फ्रंट है और 100 फट इसकी गहराई है। और ये दोस्तों 5000 स्क्वायर फट एरिया है इसका और 555 गज का प्लॉट है। दोस्तों इसमें हमने 2 बेडरूम डिजाइन किए, 1 ड्राइंग रूम डिजाइन किया है और काफ़ी बड़ा लॉन भी दिया है दोस्तों, और लॉबी भी दी है हमने काफ़ी बड़ी, ओपन किचन दी है दोस्तों और 3 टॉयलेट दिए हैं, और गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं, 4 गाड़ी आराम से खड़ी रहेंगी आपकी। और दोस्तों स्विमिंग पूल भी दिया है इसमें हमने और पूजा रूम भी दिया है। तो हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है, आज मैं आपको इसके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में, इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान रहेगा हमारा जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान रहेगा दोस्तों। ये हमारा मेन रोड है दोस्तों, ये हमारा मेन रोड रहेगा आप देख रहे होंगे। और दोस्तों ये हमारा मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री रहेगी घर के लिए। ये हमारा 12 फीट का रोड है, वो 12 फीट का गेट है दोस्तों। और ये हमारी इंटरलॉकिंग डली हुई है, ये दोस्तों ओपन एरिया रहेगा जो कि हमने दिखा रखा है, ये वाली इंटरलॉकिंग एरिया रहेगा जो है सॉरी दोस्तों। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये हमारी पार्किंग एरिया आएगा, ये सामने यहाँ से लेके यहाँ का ये पार्किंग एरिया रहेगा जो कि 9 फीट वाइड का हमने ये पैसे छोड़ रखा है। और दोस्तों ये हमारा लॉन रहेगा जो कि काफ़ी बड़ा लॉन दे रखा है हमने, और ये कॉर्नर में हमारे ये स्विमिंग पूल रहेगा, ये हमारा डेक एरिया रहेगा और यहाँ से हम आप होंगे दोस्तों तो ये हमारा लेवल ऊँचा रहेगा। और दोस्तों ये हमारा पैसेज रहेगा और इसकी हमने 2 एंट्री दे रखी है, एक एंट्री दोस्तों ये है बरामदा ये दे रखा है यहाँ से, और एक एंट्री ये दोस्तों पोर्च दे रखी है हमने जो कि पोर्च का साइज़ है 14 फट बाई 9 फट का, हमने पोर्च का साइज दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा साइज है दोस्तों। यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, गाड़ी से ही उतर के यहाँ एंट्री कर सकते हैं, और दोस्तों एक गाड़ी यहाँ खड़ी करके यहाँ से भी हम एंट्री कर सकते हैं। ये हमारी एंट्री ड्राइंग रूम में रहेगी यहाँ से, और एक एंट्री ये एंट्रेंस फ्लोर में रहेगी। तो दोस्तों ड्राइंग रूम की एंट्री 2 रहेंगी, एक तो यहाँ से रहेगी बाहर से और एक एंट्री यहाँ से रहेगी। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ आते हैं बरामदे में, ये हमारा बरामदा एरिया कहलाया जाएगा, और यहाँ एंटर करते हैं तो ये हमारा एंट्रेंस फ्लोर है जो कि एंट्रेंस फ्लोर का साइज़ हमने 8 फट बाई 7 फट का दे रखा है जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा डाइनिंग है फैमिली लॉन्ग एरिया रहेगा जिसमें हमने ये डाइनिंग टेबल डाल रखी है और ये हमने सोफा डाल रखा है आप देख रहे होंगे। और दोस्तों इसका साइज है 23 फट बाई 23 फट ऐसे है दोस्तों और 25 फट ऐसे है जो कि काफ़ी बड़ा साइज हमने दे रखा है लॉबी का। और दोस्तों ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ से एंट्री रहेगी, तो ड्राइंग रूम में ये हमने 3 सीटर सोफा डाल रखे हैं आप देख रहे होंगे, और ये स्टूल डाल रखे हैं दोस्तों। और ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हमने बड़ी बड़ी विंडो दे रखी है, 5 फट वाइड पैसेज की तरफ हो रहा है दोस्तों, और ये सामने फ्रंट की तरफ लॉन की तरफ हमने बड़ी विंडो दे रखी है, और इधर भी हमने बड़ी विंडो दे रखी है क्योंकि ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी 2 विंडो रहेंगी। और ये हमने दोस्तों 3 फीट वाइड का हमने स्लैब प्रोजेक्शन दे रखा है, 3.5 फीट का ये स्लैब प्रोजेक्शन रहेगा जो कि हमारी बालकनी के लिए रहेगा ऊपर। और दोस्तों लॉबी में आते हैं तो ये हमारी किचन रहेगी जो कि किचन का साइज़ हमने 14 फट ऐसे दे रखा और 9 फट 3 इंच ऐसे दे रखा है, और किचन का वेंटिलेशन दोस्तों हमने पैसेज की तरफ दे रखा है जिसमें हमने 2 विंडो लगा रखी है, 1 विंडो ये है और 1 विंडो ये है। और दोस्तों ये हमारी सिंक लगी हुई है और ये हमारे गैस लगी हुई है, और दोस्तों ये हमारा फ्रिज है दोस्तों, और ये टॉल यूनिट बनी हुई है। और दोस्तों किचन से ही हमने ये वॉश और स्टोर दे रखा है जो कि स्टोर रहेगा, और ये हमारी सिंक लगी हुई है डबल। और दोस्तों लॉबी से ही ये हमारा वॉश बेसिन रहेगा जो हाथ धोने के लिए रहेगा, और ये यूनिट डिजाइन बराबर हमने दे रखी है। और दोस्तों लॉबी से ही हमारा ये पूजा रूम रहेगा जो कि 5 फट ऐसे है दोस्तों और 9 फट 3 इंच है, ये हमारा पूजा रूम रहेगा। पूजा रूम का वेंटिलेशन हमने बाहर पैसेज की तरफ दे रखा नीचे। और दोस्तों ये हमारे बेडरूम रहेंगे दोनों जो कि ड्रेस टॉयलेट के साथ हैं दोस्तों। अब हम इस बेडरूम में चलते हैं, तो ये दोस्तों हमारा 16 फट बाई 16 फट का रूम है
जो कि काफ़ी बड़ा रूम दे रखा है हमने। और दोस्तों ये हमारा बेड डला हुआ है और ये ऑप्टम लगा ऑप्टम है दोस्तों। और ये हमने सोफा डाल रखा है 3 सीटर और ये सामने टीवी लगा हुआ है। और दोस्तों इस बेडरूम का वेंटिलेशन हमने इधर दे रखा है, इधर हमने 9 फीट वाइड का पैसेज छोड़ा हुआ था जो कि यहाँ विंडो आएगी हमारी ये कॉर्नर पर। और दोस्तों आगे इससे चलते हैं हम यहाँ से, तो ये यहाँ से चलेंगे तो ये हमारा ड्रेस रहेगा, ड्रेस एरिया जिसमें ये वॉर्डरोब बनी हुई है आप देख रहे हैं। ये ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा ड्रेस एरिया दे रखा है हमने, 7 फीट ऐसे दोस्तों और 14 फीट ऐसे, जो कि काफ़ी बड़ा हमने इसमें ड्रेस दे रखा है। और ड्रेस से ही हमारी एंट्री टॉयलेट में होगी दोस्तों, जो कि हम टॉयलेट में नहाकर यहाँ निकलेंगे तो यहीं तैयार हो जाएंगे और तैयार होकर हम बैठोगे दोस्तों। ये हमारा टॉयलेट का साइज है जो कि 7 फीट ऐसे दे रखा है और 11 फीट ऐसे, जिसमें हमारा ये शावर एरिया रहेगा और ये हमारी सीट लगी हुई है तो ये वॉश बेसिन है। और दोस्तों टॉयलेट का वेंटिलेशन हमारा ये सामने बाथरूम की तरफ होगा, पैसेज की तरफ दोस्तों, जो कि हमने ये दे रखा है। और दोस्तों इस हम आगे चलते हैं दूसरे बेडरूम में, तो ये बेडरूम रहेगा दोस्तों, यहाँ से एंट्री रहेगी इसकी। तो एंट्री जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारा सोफा डला हुआ है दोस्तों, ये टीवी लगा हुआ है, ये ऑप्टोमोन है दोस्तों, और ये हमारा बेड डला हुआ है। इसका भी वेंटिलेशन दोस्तों 5 फुट वाइड की तरफ हमने बेडरूम का वेंटिलेशन दे रखा है इसमें। और जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये हमारा ड्रेस एरिया आएगा बेडरूम से ही दोस्तों, ये हमारा 7 फुट ऐसे रहेगा और 10 फुट टीवी ऐसे, जो कि हमने काफ़ी बड़ा ड्रेस एरिया दे रखा है। और ये ड्रेसिंग टेबल है दोस्तों, हमारा ड्रेसिंग टेबल रहेगा। और दोस्तों ड्रेसिंग से ही हमारा ये टॉयलेट रहेगा, टॉयलेट आप देख सकते हैं ये 7 फुट ऐसे रहेगा 11 फुट ऐसे रहेगा, ये हमारा शावर एरिया रहेगा और ये WC रहेगी दोस्तों, और ये हमारे वॉश बेसिन रहेगा। और इसका वेंटिलेशन हमने सामने की तरफ रखा है इधर। और दोस्तों यहाँ से हमने ये प्रोजेक्शन दे रखा है जो 3.5 फीट वाइड का लेफ्ट प्रोजेक्शन रहेगा आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा हमने इसको डिज़ाइन किया है। और ये हमारा स्विमिंग पूल आप देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ा हमने इसको डिज़ाइन किया है, 50 फुट बाई 100 फिट का प्लॉट है दोस्तों। और ये हमने वो कर रखा है आप देख रहे होंगे दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।